हमारे देश के एक महानगर में हुआ एक और बलात्कार। इस बार एक ऐसी टैक्सी में जो एक इंटरनेशनल कैब सर्विस से जुड़ी थी, पर पुलिस ना तो मुजरिम तक पहुंच पाई थी और ना ही उस इंटरनेशनल कंपनी से संपर्क बना पाई थी। किस तरह आया ये विकृत टैक्सी ड्राइवर पुलिस के शिकंजे में, आइए देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। ये गाड़ी है साहब। कौशिक, गाड़ी टो करवाओ और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, रैला नोट पुलिस को भी खबर कर दो। सर, नागेश चौहान का कुछ पता चला? साहब, इतना पोस्टर लगवाए पूरा शहर में, रैला नूर का तो अंधा भी पहचान लेगा नागेश को। वो तो किसी अंधेरे बिल में छिपा बैठा होगा साहब, बाहर निकलना नामुमकिन है उसके लिए। बंदा है तो रैला नूर में, लेकिन कहाँ है इसका पता नहीं चला साहब। सर, यही गाड़ी थी सर, और नंबर भी वही है, डेफिनेटली यही गाड़ी थी सर। हाँ सर, यही गाड़ी थी। हेलो सर, आई एम राजदीप कुमार, पीडब कैब का रीजनल मैनेजर। क्या मैनेज करते हैं आप? ये काम भी कोई एप्लीकेशन कर लेती? ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ हर ड्राइवर की वेरिफिकेशन होती। अब नागेश के केस में भी उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो पुलिस ने इशू किया था। उस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप? सर्टिफिकेट असली है नकली, इस बात का कैसे पता लगाते हैं? आपने इन दो लड़कों को एक फ्लैट में बैठा दिया है दो लैपटॉप्स के साथ, इसे आप बैकएंड ऑफिस कहते हैं? ड्राइवर्स कौन है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, टैक्सीज की कंडीशन कैसी है, ये कभी पर्सनली देखने की जरूरत महसूस की है? इन टैक्सीज में लोग बैठते हैं मिस्टर कुमार, मेरे और आपके जैसे लोग, हमारे माँ बाप, बीवी, भाई, बहने, बच्चे, ये सब बैठते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? एब्सोल्युटली सर, आई अग्री विथ यू, गलती हुई, बट एक्चुअली एक माइनर परसेंटेज मार्जिन ऑफ एरर होता है सर किसी भी बिजनेस में। इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, आई अग्री विथ यू सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर। 43 कंट्रीज में हमारी सर्विसेज चलती हैं और लगभग इतनी ही कंट्रीज में आपकी सर्विस बैंड है मिस्टर कुमार। अब इन सब बातों में मैं जाना नहीं चाहता सर। आप किन बातों में जाना चाहते हैं, किन बातों में जाना नहीं चाहते हैं, ये जानने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। सारा देश चाहता है कि एक और लड़की के साथ बलात्कार ना हो, सारा देश चाहता है कि नागेश चौहान को सख्त से सख्त सजा मिले, सारा देश चाहता है कि प्रशासन और पुलिस के साथ साथ आप जैसे लोग भी अपने कूल ऐप और हॉट प्रॉफिट से परे सोचें। आपका ये ड्राइवर नागेश चौहान, इसने पहले भी आपके एक कस्टमर के साथ बदतमीजी की थी, इसकी कमाई का एक हिस्सा आपकी कंपनी का प्रॉफिट बनता है मिस्टर कुमार। जब स्पीड अप कैब रेप केस न्यूज़ में आया, तब मुझे याद आया कि ये तो वही ड्राइवर है, नागेश चौहान, जिसके खिलाफ मैंने स्पीड अप कैब से शिकायत की थी। मैंने साफ साफ लिखा था कि घर से एयरपोर्ट तक ये आदमी मुझे बड़ी गंदी नज़र से घूर रहा था। आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। ये कंप्लेन एक महीना पहले आपकी कंपनी को वाया ईमेल भेजी गई थी मिस्टर कुमार। हमने आपके बैकग्राउंड ऑफिस के सारे रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन नागेश चौहान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके एक महीने के बाद उसने ये रेप किया। अब आप मुझे बताइए मिस्टर राजदीप कुमार, क्या इस रेप के लिए सिर्फ और सिर्फ नागेश चौहान जिम्मेदार है? क्या आपकी गैर जिम्मेदारी ने भी उसकी वहशियत को बढ़ावा दिया? देखिए सर, हमें ये ईमेल मिला था और हमने ईमेल का रिप्लाई भी दिया था कि हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया? एक्चुअली कहाँ से इनिशिएट हुआ? क्या एक्शन लेने वाला भी कोई एप्लीकेशन ही था? मुझे अपने हेड ऑफिस में चेक करना होगा। चेक तो आपको नागेश चौहान को करना चाहिए था मिस्टर कुमार, लेकिन आपने उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया। आपने उस लेडी के पहले ईमेल पर कोई एक्शन नहीं लिया और दूसरे ईमेल का तो आपने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं ये बात अपने बॉसेस के सामने उठाऊंगा सर। बातें उठाने का वक्त अब निकल चुका है मिस्टर कुमार, अब सरकार और हम मिलकर कदम उठाएंगे। फॉरन में बैठे अपने आकाओं से कह देना कि उनका खून चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा खून पानी बिल्कुल नहीं है।
तन्वी साहू का रेप करने से पहले नागेश चौहान ने उस टैक्सी में एक और महिला के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागेश ने न जाने कितने कस्टमर्स के साथ क्या क्या किया होगा। इतना ही नहीं, टैक्सी ड्राइवर बनने के पहले भी नागेश चौहान के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे। नागेश को हर बार जमानत पर रिहा किया जाना, उसके खिलाफ हुई शिकायतों को इग्नोर किया जाना, इस सब के बाद हुआ था तन्वी साहू का बलात्कार। ब्लेम गेम पूरे जोश में जारी था, लेकिन सवाल यह था कि इतना संगीन जुर्म करने वाला नागेश चौहान इस वक्त था कहां? सर, नागेश चौहान का पता चल गया। टीम रेडी करो। नागेश का है? सर, तुम और नागेश कहां भागने की तैयारी कर रहे थे? हमें कुछ नहीं मालूम साहब, वो परसों आए थे, बोले कि बक्से बांध लो, हम जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोले बस जा रहे हैं। हमें इसके अलावा कुछ नहीं मालूम साहब। इस वक्त नागेश कहाँ है? परसों जो गए थे तो अभी तक लौटे नहीं है साहब। परसों कहाँ गया था? पता नहीं, बस घर से गए थे। वो हमें कभी कुछ नहीं बताते साहब। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा पति फिर एक बार बलात्कार कर चुका है और इस बार वो छूटने वाला नहीं है। और तुमने अगर हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम भी जेल जाओगे, वो भी कड़ी सजा होने के बाद। हम पे रहम कीजिए साहब, हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ है। साहब, साहब वो नागेश चौहान यही पास के जंगल में देखा गया है। आज सुबह चाय की टपरी में चाय पी रहा था और पास के जंगल में चला गया। मूव। चल थाने में बताते बेटा तूने क्या किया। साहब जबरदस्ती नहीं की थी साहब, हमने साहब मैडम ने सामने से रिक्वेस्ट की थी, पैसे भी लिए हमसे साहब। साहब मैं आप बात सुनिए ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई साहब। साहब मेरी बात मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। नागेश चौहान कानून से भागते भागते अपना शहर, अपना गाँव, अपना घर सब कुछ छोड़कर जंगल में जा छुपा था, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद इस आदमी में रत्ती भर का पछतावा नहीं था। ये जितना विकृत था उतना ही ढीठ भी। साहब आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हाँ मैडम और हमारे बीच में संबंध हुआ गाड़ी में, लेकिन वो उनकी मर्जी से था साहब। पूरे 30,000 रुपए लिए उन्होंने हमसे। 30,000? 30,000 तू कैश लेकर घूमता है साहब? चल बोल, पहले ये बता कि 30,000 तेरे पास आए कहाँ से? साहब कोई चोरी डकैती नहीं की हमने, मेहनत की कमाई है साहब। रात दिन टैक्सी चला चला कर पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि अपना ये महंगा शौक पाल सकूँ साहब। तलब लगती है तो लगती है ना। फिर मैडम ने तो हमें सामने से रिक्वेस्ट कर दी ना साहब, कैसे रोक पाता अपने जज्बात। सर, 100 झूठ बोलने से बात सच तो नहीं होती, और 100 थप्पड़ मारने से सच झूठ नहीं होता। वो मैडम पलटी मार गई हैं और आप सब उनके लपेटे में आ गए हो साहब। वो फंसा रही हैं मुझे साहब, पहले भी हुआ है मेरे साथ ऐसा। साहब ये वाली मैडम की आप फाइल खोलिए ना, देखना आपको क्या क्या मिलेगा। नागिन का पिटारा है वो साहब।
सर ये नागेश चौहान के केस पेपर्स हैं, रजिस्टर्ड केसेस 8 हैं उसमेर गांव के थाने में। सर जब मैं ये एफ आई आर की कॉपीज लेने उसके गांव में गया था तो वहां के लोगों को पता चला कि नागेश पकड़ा गया। फिर त्यौहार का माहौल बन गया था सर, लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। मतलब ये नागेश चौहान पूरे गाँव की नाक में दम था? बिल्कुल सर, गाँव के लोग बता रहे थे कि नागेश औरतों को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। नागेश की हरकतें देखकर गांव में कई और नागेश तैयार हुए और तैयार हो रहे हैं। क्या नहीं कि इस बदमाश ने, अरे कभी धाएं धाएं गोलियां चलाता है, कभी लूटता है किसी को, और औरतों का तो पूछे ही मत साहब। सुबह सुबह खेत पर गई औरतों को छेड़ता है कमीना, और शाम 7 बजने के बाद शमशान जैसा हो जाता था इस गाँव में इस नागेश की वजह से। इसको धरकर बहुत नेक काम किया है आप लोगों ने, हमेशा के लिए बंद कर दो उसे, कि पूरा गाँव सुधर जाएगा साहब। औरत एक नशा है साहब, शराब गांजा भांग से 100 गुना तेज, शहरों की औरत की तो बात ही कुछ और है साहब। हमारे गांव की औरतों से बिल्कुल अलग थी ये शहरी मैडम, चाल सोच अंदाज सब अलग। जानते थे चुपचाप सहेंगी नहीं, चिल्लाएंगी, दुनिया को इकट्ठा करेंगी, लेकिन वो नशा ही क्या है साहब, जिसमें रिक्स ना हो, करंट लगते रहता, दिल दिमाग बदन फड़फड़ाते रहते। जागती हुई औरत पागल करती है साहब, सोई हुई तो जान ही ले लेती है, जी भर के घूरो कोई डर नहीं। हमें लगा जान की धमकी देंगे तो चुप ही रहेंगी, लेकिन नहीं, खामखा मुंह खोला मैडम ने। हाँ साहब, हमने मैडम के साथ जबरदस्ती की, रेप किया उनका। नागेश चौहान के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पर जिस पुलिस ऑफिसर के साइन है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनका कहना है कि ये साइन उन्होंने नहीं किया। 2 साल से उनकी पोस्टिंग नौबिर में हो चुकी है, जाहिर है ये साइन जाली है। इस पेटअप कैब के ऑफिस से जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे उनका क्या हुआ? बार बार बात घुमा रहे हैं सर, नियत ढीली है कौशिक, बड़े बड़े कॉरपोरेट मुखौटे पहनते होंगे और उनके पीछे हैं ये लालची भेड़िए। नागेश चौहान में और इनमें कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल नकली है साहब। कहाँ से बनवाया? हड्डी लेके गली में जाओ, कुत्ते तो अपने आप ही इकट्ठे होते हैं ना साहब। ऐसे कामों के दलालों की कमी है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफिस में तो किलो के हिसाब से मिलेंगे। पैसा फेंको, झूठ को सच करो, सच को झूठ। आपसे क्या छुपा है साहब? और नकली सर्टिफिकेट का एक असली हिस्सा तो आपकी जेब में भी तो जाता ही होगा ना। सब गुस्सा ठंडा हो जाए तो बैठ के बात कर लेते हैं ना साहब, कोई एक रकम तय कर लेते हैं मेरी रिहाई की कीमत। ये वर्दी रोक रही है मुझे तुझे तेरी जिंदगी से रिहा करने के लिए, वरना तेरे जैसे को तो लाइन में लगाकर हमेशा के लिए रिहा कर देना चाहिए। सर सर, वो नकली करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाले 2 एजेंट्स को हमने फोर्जरी के चार्ज में बुक किया है। और ये कैब कंपनी, इनका कोई असली बैकएंड ऑफिस नहीं है, ना ही इनका कोई कस्टमर सर्विस सेल है, कोई कंप्लेंट डिवीजन भी नहीं है, यहाँ तक सर कि इनका कोई कॉल सेंटर सर्विस भी नहीं है। सर इनका बस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुमने उनके मैनेजर से पूछताछ की? यस सर, राजदीप कुमार रीजनल मैनेजर, उसे कुछ पढ़ी नहीं है सर। 2 लड़कों को फाइल बनाने के लिए काम पर रखा हुआ है, वो दोनों ड्राइवर्स के बेसिक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, वेरिफिकेशन नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं है सर। रूल्स के हिसाब से उनकी टैक्सीज में GPS या GPRS होना चाहिए, हमने दर्जनों टैक्सीज चेक किए, एक में भी नहीं था सर। स्पीड अप कैब कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल करो। जी सर। और कुछ? सर नागेश चौहान ने एक वकील किया है, वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए मना कर रहा है।
इन बहसियों के भी मानव अधिकार होते हैं इट्सिंग, लेकिन हम उसका टेंशन नहीं लेंगे। जब हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे तभी विक्टिम से आइडेंटिफाई करवाओ। जी सर, यही प्लान है। बेटा मुझे नहीं तो कम से कम मिहिर को तो साथ ले जाओ। नहीं पापा, मैं अकेले जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं अकेले करना चाहती हूँ। अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेना। जुर्म उसने किया है और चेहरा मुझे ढकना होगा? सजा उसको होगी ये मत भूलो। लेकिन क्या ये जरूरी है? हाँ, आप रिक्वेस्ट पूरी कीजिए और घर जाइए। ये तो आप ही बताइए कैसे मरना पसंद करेंगी। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है, कोई तीसरा जानेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा। हमारे प्रिय कस्टमर, हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैब टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। आपकी सुख सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे। आपकी स्पीड अप कैब टीम। इस केस का ट्रायल इस वक्त जारी है, रोज सुनवाई हो रही है। नागेश चौहान के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि नागेश के पास पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज भी नहीं था, जो कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए कंपलसरी होता है। इसके बावजूद स्पीड अप कैब ने उसे ड्राइवर के जॉब के लिए नौकरी पर रखा। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट टैक्सी सर्विस इंडस्ट्री पर पाबंदी लगाने की हिमायत बिल्कुल नहीं कर रहे। आज हर शहर और कस्बे में प्राइवेट टैक्सीज हमारे ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन क्या उन कंपनीज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है जो बेसिक से बेसिक रूल्स भी वायलेट करते हैं? जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं तो हमारी जान माल की जिम्मेदारी उस टैक्सी, उसके ड्राइवर और उस कंपनी की होती है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है जहां अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसे 30 दिनों के अंदर वापस किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, गरिमा की। इसमें गुड्स रिटर्न या मनी बैक का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। ऐप्स काफी सुविधाजनक होते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन चीजों को आसान बना देते हैं, लेकिन जब तक किसी ऑनलाइन कंपनी का कंप्लेंट सेल नहीं, एड्रेस नहीं, फोन नंबर नहीं, तो कस्टमर्स को सतर्क होना ही चाहिए। हमारा आज का ये केस यहीं समाप्त होता है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम अपना दूसरा केस शुरू कर रहे हैं और इस केस में भी एक टैक्सी शामिल है। आइसोलेटेड है ना? आइसोलेटेड है, लेकिन यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट्स अच्छे हैं। मैं जब सारंगी पर ट्रैकिंग करने के लिए आया था तब इस लेक पे आया था, और तुम्हें पता है तब से मेरा ये सपना था कि तुम्हें यहाँ जरूर लेके।
गौरव रॉय ट्रैकिंग के लिए तार दुर्ग हिल स्टेशन पहले कई बार आ चुका था। गौरव का सपना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सारंगी पॉइंट के पास वाली लेक पर जरूर लेकर आएगा। जब रुचिका सेन उसकी गर्लफ्रेंड बनी तो गौरव का सपना पूरा हुआ। गौरव और रुचिका एक दूसरे में खोए हुए थे। वो उस खतरे को देख नहीं पाए जो उनके लिए घात लगाकर बैठा था। सेल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और गौरव का भी। इतनी रात के फोन स्विच ऑफ आ रहा है? अरे तो गौरव के बाबा को फोन करो ना। रॉबी बाबू, हम लोग भी एक घंटे से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं और सुमति दरअसल आप ही को फोन लगाने वाले थे। अजीब बात है नहीं प्रभाकर दा, रुचिका ने कहा था कि तार दुर्ग पहुंचते ही फोन करेगी। पूरा दिन निकल गया और अब तक कोई खबर नहीं। मेरी गौरव से बात हुई थी रॉबी बाबू, वो लोग तब सारंगी पॉइंट लेक पहुंचते ही थे। हाँ बाबा, हम लोग सारंगी पॉइंट पहुंच गए। यहाँ पे हम 5:30 बजे तक स्केचिंग करेंगे, फिर तारदुर्ग स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे 9:30 की ट्रेन है प्रियादपुर के लिए। अच्छा बेटा, संभाल के रुचिका का ख्याल रखना। और सुनो, तारदुर्ग स्टेशन पहुंचते ही फोन जरूर करना। है बाबा, तारदुर्ग स्टेशन पहुंच के आपको फोन करता हूँ, अपनी चिंता करो ना। ठीक है, रखता हूँ। ओके बेटा। प्रभाकर दा, मेरी रुचिका से उससे पहले बात हुई थी जब वो सारंगी पॉइंट लेक के पास पहुंच रहे थे। बाबा नहीं, हम लोग अभी तक ना सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक नहीं पहुंचे। अभी और शायद आधा घंटा है। भाई, हाँ सर, आधे घंटे में पहुंचा दोगे? उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं नहीं सर, आधा घंटा कहाँ, बस 15 मिनट में पहुंचा दूंगा। आगे एक राइट टर्निंग है, उसके बाद सीधा जन्नत। बेटा गौरव के साथ ही रहना, अकेले इधर उधर मत जाना। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो गौरव का हाथ पकड़ पकड़ कर चलूंगी? अच्छा अच्छा मेरी माँ, ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर ना दे। ये ना आप मम्मा को देना मेरी तरफ से। चलो बाय, मैं रखती हूँ। हाँ, तारदुर्ग स्टेशन पहुँच के फोन करती हूँ मैं, ठीक है? शायद रियादपुर पहुँच कर फोन करें। प्रभाकर दा, जब दोनों ने कहा था कि वो तारदुर्ग पहुँच कर फोन करेंगे तो भूल कैसे गए? और दोनों को फोन कैसे स्विच ऑफ आ रहे हैं? थोड़ा और इंतजार करते हैं। रवि बाबू आप टेंशन मत लो, सुबह होने तक तो फोन आ ही जाएगा। सुबह तक वेट करने को कह रहे। गौरव और रुचिका दोनों का परिवार तार दुर्ग से कुछ 1,500 किलोमीटर दूर पाकिरगढ़ सिटी में रात भर सोया नहीं। सुबह आई, दोपहर हुई, शाम आई, लेकिन उनके बच्चों की कोई खबर नहीं आई। गौरव और रुचिका के सेल फोन्स एकदम खामोश पड़ गए थे। तार दुर्ग से दोनों कहीं जाने वाले थे? हो सकता है कि लास्ट मिनट में कोई प्लान में बदलाव आ गया हो। अगर प्लान में कोई भी बदलाव आता तो मेरी बेटी रुचिका फोन जरूर करती। वो दिन में रोज 2 बार फोन करती है मुझे। गौरव मुझे फोन करता सर, हमें तो लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें कॉन्टेक्ट ना करे। आपने रियादपुर में उनके घर फोन किया था? जी किया था, 2-3 बार किया था। मकान वाली से बात हुई हमारी। जी लौटे नहीं अभी। ओ जी, वहीं से आ रहा हूँ मैं, फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। उनके पड़ोसी है ना भल्ला साहब, मेरी उनसे ही बात हुई है, वो कह रहे भी पहुंचे नहीं है वापस दोनों। देखिए रॉय बाबू और सेन बाबू,
मैं यहाँ अभी एक डायरी एंट्री कर सकता हूँ। बाकी मिसिंग कंप्लेन तो सिर्फ रियादपुर में ही दर्ज हो सकती है, क्योंकि आपके बच्चे रहते तो वहीं है ना। The number you have called is currently switched off. अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है जी बेटा, तुम ही कोथाई। सुनो जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गौरव हम लोगों को फोन ना करे। खूब भय लग जे, कहीं लोगों को कुछ हो तो नहीं गया। सुमति सुमति, ऐसा नहीं बोलते, वो बच्चे हैं हमारे, उन्हें कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ। पेंटिंग तुम दुर्गा पूजा कंपटीशन में एंटर करने वाले हो? सोचा तो कुछ ऐसा ही है। फिर मैं अपनी पेंटिंग सबमिट नहीं करूंगी। अरे ये तो फटाफट ही है, फर्स्ट प्राइज ही मारेगा। तो फिर मैं भी इसे सबमिट नहीं करता। क्यों? ये मैं अपने घर पे सजा कर रखूंगा, जब मेरी शादी होगी तब मैं इसे अपनी बीवी को गिफ्ट करूंगा एज अ वेडिंग गिफ्ट। रोमांटिक है। ऐसी जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना, वो तो बहुत लकी होगी। वैसे तुम करोगी? क्या हुआ, मुझसे शादी करोगी मिस रुचिका से? मैं तुमसे 2 साल बड़ी, समझे? ठीक है, 2 साल बाद मैं जब बड़ा हो जाऊंगा फिर शादी कर लेते। अब तो ये पेंटिंग हमारी शादी का इंतजार करेगी। बैठिए। मिस्टर रॉय, मिस्टर सेन, हमें पाकिरगढ़ से आई डायरी एंट्रीज मिली है। सर, हमने उनके यहाँ पलसूरी सेक्टर 3 में जो कि एक किराए का मकान है वहाँ चेक किया था, वो अभी तक नहीं लौटे। तारदूर रियादपुर एक्सप्रेस ट्रेन की लास्ट 4 दिन की सभी ट्रेन लिस्ट छान मारी है, वो इनमें से किसी भी ट्रेन में नहीं थे। 4 दिन हो गए, हमारे बच्चों की कोई खबर नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा सर। तारदुर्ग में जिस होटल में रुके थे वहाँ चेक किया? जी हाँ सर, मैंने कॉल किया था। 4 दिन पहले 16 अक्टूबर के सुबह चेकआउट कर गए, कह रहे थे सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक पर जा रहे हैं, और रात में रियादपुर के लिए उनकी ट्रेन भी थी। उसके बाद दोबारा उनको नहीं देखा। सर, उन लोगों ने सारंगी पॉइंट लेक जाने के लिए होटल के थ्रू एक एजेंसी से टूरिस्ट टैक्सी हायर की थी। जी सर, हमारे रेगुलर टूर्स एंड ट्रेवल्स का नंबर मांग रहे थे, मैंने दे दिया। हो सकता है उनसे ही टैक्सी मंगाई हो। मैं एजेंसी के मैनेजर को बोलता हूँ कि वो आपसे फोन पर बात कर ले। उस ट्रेवल एजेंसी के मैनेजर से मैंने बात किया सर, वो ड्राइवर की डिटेल्स के साथ कल तक गेट बैक करेगा। मिस्टर रॉय, मिस्टर सिंह, आप हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। हम गौरव और रुचिका के फोन रिकॉर्ड्स को मंगवा कर उनकी वो आखिरी लोकेशन ट्रैक डाउन करेंगे, जिसके बाद से वो लगातार स्विच्ड ऑफ मोड में रहे। गौरव के पिता प्रभाकर रॉय और रुचिका के पिता रविंद्र सेन दोनों ने रियादपुर में अपना ठिकाना बना लिया। वो अपने बच्चों की खबर सुने बगैर रियादपुर छोड़ने वाले नहीं थे। 5 दिन हो चुके थे लेकिन रुचिका और गौरव की कोई खबर नहीं थी। 6ठा दिन आया और अपने साथ एक खबर लेकर आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सर, ये गौरव और रुचिका के फोन रिकॉर्ड्स हैं। आखिरी लोकेशन तारदुर्ग ही था। समझो वो अभी तारदुर्ग में ही है। सोचा होगा कुछ दिन और रुक लेते हैं, कुछ जगह और देख लेते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ क्यों करेंगे? सर, तारदुर्ग पुलिस ने टूरिस्ट टैक्सी के ड्राइवर को ट्रैक कर लिया है। हाँ साहब, मैं ड्राइवर विजय खत्री बोल रहा हूँ साहब। क्या बात हुई साहब? गोरावल पुलिस स्टेशन आ जाओ। आ जाता हूँ साहब, पर आप बुला क्यों रहे हैं साहब? तेरे घर आके बताऊं तुझे क्यों बुला रहे हैं?
गाड़ी भिजवाऊं तेरे लिए? नहीं 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 साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है साहब। दरअसल ना बात ऐसी है ना वैसी है विजय खत्री, सीरियस मामला है, फटाफट आ जा। ठीक है साहब, बस मैं पहुंचा समझो साहब। विजय खत्री, 16 अक्टूबर को तुमने होटल शिखर रत्न से गौरव रॉय और रुचिका सेन को पिकअप किया था, एक जवान कपल था। हाँ साहब, किया ना। वो दोनों उसी दिन रात को रियादपुर लौटने वाले थे जहां वो रहते हैं। आज 21 अक्टूबर है और उन दोनों की कोई खबर नहीं है। क्या हुआ उन्हें साहब? तुम्हारे साथ थे दोनों, तुम ही बताओ क्या हुआ उनके साथ। साहब मैं तो उन्हें सिर्फ सारंगी पॉइंट तक ले गया था और फिर शाम को तारदुक स्टेशन छोड़ा आया। अरे भाई जल्दी करो यार, लेट हो रहा है, 9:30 की ट्रेन है। वो तारदुक रियादपुर एक्सप्रेस सर? हाँ हाँ। ओके सर, बैठिए। लेफ्ट राइट करते हुए करीब, हाँ 9:10 को हम तारदुक स्टेशन पहुंचे साहब, 9:30 की उनकी ट्रेन थी। उसके बाद साहब उन्होंने ट्रेन ली कि नहीं ली या कहीं और चले गए, कैसे गए, क्यों गए, मुझे कैसे पता साहब? उन दोनों को उसी रात रियादपुर पहुंचना था पर ऐसा हुआ नहीं, क्यों? एक तो सच में मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। देखो साहब मैं टैक्सी चलाता हूँ, रोज या नए नए टूरिस्ट आते हैं, हम उन्हें जो डील होती है उस हिसाब से घुमाते हैं, फलानी जगह से फलानी जगह ले जाते हैं बस, इसके अलावा हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता साहब। जवान लड़का लड़की थे साहब, ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जो भी मामला हो ठीक से सुलझ जाए। हाँ हम लोग पुलिस स्टेशन में ही हैं। 6 दिन हो गए, गौरव और रुचिका के बारे में कुछ भी नहीं सुना, ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? ना ना ये तो असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों कहीं घूम फिर रहे हैं और 6 दिनों से अपने माँ बाबा को फोन तक नहीं किया। मिस्टर सेन, मिस्टर रॉय, करता हूँ, आप लोग अंदर आइए प्लीज। चारू मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब ने अंदर बुलाया, शायद कोई खबर है। रियादपुर पुलिस ने टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर से बातचीत की और उसने बताया कि वो उन्हें सारंगी पॉइंट लेक से तारदुर्ग रेलवे स्टेशन ले गया था और वो वहाँ टाइम पर पहुंचे थे, गाड़ी छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या गौरव और रुचिका ने जानबूझकर ट्रेन छोड़ दी होगी? क्या मतलब क्या है आपका? क्या गौरव और रुचिका के रिश्ते को लेकर आप लोगों में कोई अनबन? कैसी अनबन इंस्पेक्टर साहब, रोबी बाबू हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमें दोस्त ही समझिए, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों ने ग्रेजुएशन किया है रियादपुर आर्ट स्कूल से और दोनों के पास बहुत अच्छे जॉब हैं और वो जल्दी शादी करने वाले थे हम सबकी रजामंदी से।
तुम कुछ कहना चाहती हो? तो कहती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कुछ कहूँ या कुछ पूछूँ। कहो? नहीं, एक्चुअली पूछती हूँ। अच्छा वाह, पूछो। तुम्हें याद है वो पेंटिंग जो तुमने उस लड़के के लिए बनाया था जिसके साथ तुम शादी करने वाले हो? हाँ, है एक लड़की, रुचिका सेन है उसका नाम, एकदम फाटा फाटी लड़की है। तो तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, क्या जवाब दिया उसने? क्या है ना, मैं उस लड़की को दिल से प्यार करता हूँ, अगर वो शादी के लिए इनकार भी कर दे तो वो पेंटिंग उसके लिए हमेशा इंतजार करेगा। तो जाके कह दो उस पेंटिंग से और इंतजार ना करे। वे दोनों बचपन के दोस्त हैं जिन्हें प्यार हो गया। उन दोनों के बीच अनबन का तो कोई सवाल ही नहीं सर। देखिए, अब हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो हम उनके मोबाइल फोन्स के स्विच ऑन होने का इंतजार करें। 6 दिन हो गए सर, और कितना इंतजार करेंगे? करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन है कि हम उनके मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर को ट्रैक करें और पता लगाने की कोशिश करें कि उनके मोबाइल फोन्स इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन ये तभी कुछ रिजल्ट दिखाएगा जब कोई उन मोबाइल फोन्स में से आपके बच्चों के सिम कार्ड निकाले और दूसरा लाइव सिम कार्ड उसमें डालने की कोशिश करे। ये चांस वाली बात है। जब किसी के बच्चे गायब हो जाएं, तो चांस का हर तिनका मायने रखता है। रॉय और सेन परिवार चांस के इस तिनके को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई मझधार में लकड़ी के टुकड़े को पकड़ता है। एक ही तरीका था उनके लिए यह जानने का कि आखिर उनके बच्चों के साथ हुआ क्या है। अगर उनके बच्चों के फोन्स कोई तीसरा इस्तेमाल कर रहा है तो क्या मतलब बनता है इसका? मैं तैयार हूँ, 10 मिनट में क्लॉक टावर पर पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक, बाय। सेल फोन्स की IMEI ट्रैकिंग से पता चला था कि रुचिका का फोन तार दुर्ग में ही किसी और के पास था। रुचिका और गौरव 6 दिन से गायब थे। ये एक डरावना ख्याल था। ये चांस ये इंफॉर्मेशन इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि रुचिका और गौरव के साथ कुछ गलत हुआ होगा। रुचिका और गौरव के साथ क्या, कहां और क्यों हुआ होगा, इसका खुलासा हम करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।